पोलियो। जी हाँ दोस्तों, यह एक आम बीमारी की तरह होता है। बुखार, सिर दर्द, दस्त और वमन के साथ शुरू होता है। पोलियो के कुछ रोगियों को अंधरंग हो जाता है। प्रत्येक 200 पीड़ित बच्चों में से एक बच्चा जीवन भर के लिए विकलांग हो जाता है। पोलियो के एक तिहाई रोगी एक वर्ष की अवस्था के पहले ही रोगग्रस्त हो जाते हैं। जन्म के समय अथवा उसके बाद जितनी जल्दी हो सके बच्चे को टीका लगवाना चाहिए। बच्चे को BCG का टीका रोकथाम के लिए लगवाइए। पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक भी उसी समय देनी चाहिए। यह खुराक मुंह से ली जाती है। तीन प्रकार के वायरस पोलियो उत्पन्न करते हैं। पूर्ण सुरक्षा के लिए तीनों प्रकार की वैक्सीन लेनी पड़ती है। हर बार वैक्सीन जीभ पर गिराकर दी जाती है। पोलियो वैक्सीन 14 सप्ताह की आयु पर दी जानी चाहिए। पोलियो वैक्सीन 1.5 वर्ष की आयु में दी जानी चाहिए। यदि खुराकों के बीच देरी हो जाती है तो खतरा केवल विलंब की अवधि में होता है। यदि सारी खुराकें ठीक समय पर दी जाती है तो आगे की भी सुरक्षा होती है। यह वैक्सीन DPT की सुई के समय भी दी जा सकती है। कुछ स्थितियों में 5 वर्ष की आयु पर वर्धक खुराक दी जाती है। उसका असर 5 साल तक रहता है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। लाइक कर दीजिए दोस्त व सहेलियों के साथ। व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।